खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बड़ी खबर अब सिवनी से सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि सिवनी को अपेक्षित क्यों रखा जाता है, उपेक्षा क्यों की जा रही है। तमाम जानकारी साझा करेंगे सिवनी से जिला राजेश भरे, क्योंकि सिवनी से जो विधायक है दिनेश राय, उन्हें स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा। जी राजेश, 2014 से भाजपा देश में और मध्य प्रदेश में काबिज है, लेकिन 2014 से हमारे जिले में भी भाजपा का वर्चस्व रहा है, लेकिन आज दिनांक तक मंत्रिमंडल में किसी भी प्रतिनिधि को न लेना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिवनी जिले की उपेक्षा साबित हो रही है। जनमानस का कहना है कि दिसंबर के माह में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसके लिए हमारे सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन जी सार्थक रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने मेडिकल कॉलेज लाया है, जल नल जल योजना लाया है, किसानों के हित में काम कर रहे हैं और अपने स्वयं की राशि और विधायक निधि से गांव-गांव में विकास कार्य हेतु, निर्माण कार्य हेतु राशि दे रहे हैं। वहीं सिवनी विधानसभा सहित समूचे जिले में उनकी लोकप्रियता विकराल रूप से है। वहीं कोविड-19 की दो लहरों में जो योगदान विधायक श्री दिनेश राय जी ने दिया है वह काफी सराहनीय है, क्योंकि सर्वप्रथम क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी ने अपनी पूरी विधायक निधि जिला चिकित्सालय को दे दी थी। उस पर विपक्ष ने उन्हें उन पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री दिनेश राय मुनमुन की विचारों को समझ गया और सभी विधायकों, मध्य प्रदेश के सभी विधायकों की विधायक निधि शीघ्र ही उनके खाते में आ गई। तो इतना बड़ा योगदान देने वाले क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी को अगर दिसंबर में होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं लिया जाता है, तो सिवनी विधानसभा सहित समूचे जिले में मुख्यमंत्री जी के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि समूचे जिले में यह जनचर्चा का विषय बना है कि दिसंबर माह में हो रहे मंत्रिमंडल के विस्तार में श्री दिनेश राय जी को लिया जाएगा। इस बात से इनकार कोई भी नहीं कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से सिवनी वासियों का निवेदन है कि दिसंबर माह में हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार में विधायक श्री दिनेश राय जी को आवश्यक रूप से लिया जाए। अगर दिनेश राय जी मुनमुन को मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं लिया जाता है, तो सिवनीवासी यह सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और संगठन मंत्री बीडी शर्मा द्वारा हमारे जिले की उपेक्षा की गई है, और अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में श्री दिनेश राय जी को ले लिया जाता है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चारों विधानसभा सीट से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगी। जी आशुतोष जी। जी राजेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया जी। धन्यवाद चरण स्पर्श।